चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में हर साल लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी जगह में भारत के सबसे पुराने लाइट हाउस के साथ साथ कुछ ऐसी भी इमारतें और अनगिनत कहानियां हैं जिनके बारे में विस्तृत जानकारी की खोज आज भी जारी है। महाबलीपुरम के इस परिसर में कुल मिलाकर 40 विभिन्न प्रकार की प्राचीन इमारतें हैं। इन इमारतों के निर्माण का श्रेय पल्लव शासकों को जाता है जिन्होंने 3री से 9वीं शताब्दी तक यहां पर राज किया। बंगाल की खाड़ी के निकट ये एक फलता फूलता बंदरगाह था जहां रोम से लेकर पूर्वी देशों तक के व्यापारियों का जमावड़ा लगा रहता था। दंत कथाओं में समाये महाबलीपुरम के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो एक जमाने में रहस्य की चादर में ढके थे। आइए इनमें से कुछ प्रमुख तथ्यों की यात्रा पर आपको ले चलते हैं। हालांकि कई तथ्यों और लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम की स्थापना की थी, मगर इस स्थान के पल्लव काल से भी पुराने होने पर कई सवाल उठाए गए थे। कारण यह था कि 2री शताब्दी में संगम काल के तमिल कविता पेरु पनरु पटाई में निरपेरवु नामक बंदरगाह का जिक्र किया गया है जिसको कई विशेषज्ञों ने महाबलीपुरम बताया है। मगर इस गुत्थी को कुछ हद तक सुलझाने में कामयाबी तब हाथ आई जब 2004 में आई सुनामी के बाद यहां ईंट के अवशेष पाए गए थे जो पल्लवों के शासन काल से भी पुराने थे। इससे ये व्यतीत होता है कि ये स्थान वास्तविक रूप में अपने बताए काल से भी अधिक पुराना था। अपने सुनहरे दौर में महाबलीपुरम को कई मल्लाह और यात्री अपने यात्रा वृत्तांत में 7 पगोड़ों की भूमि कहा करते थे, जहां मंदिरों को पगोड़ा या बौद्ध मंदिरों के तौर पर देखा जाता था। इनमें यहां का मशहूर तट मंदिर भी शामिल था। 13वीं शताब्दी में अपने आगमन के दौरान मशहूर इतालवी यात्री मार्को पोलो ने इस जगह को सेटेमल्टी नाम से जिक्र किया था, जिसका इतालवी भाषा में अर्थ सेटे टेम्पली या 7 पगोड़ों का स्थान होता है। ये अपने मौजूदा समय में कई नाविकों के पथ प्रदर्शन के लिए भी मददगार साबित हुआ। कई वर्षों बाद इन पगोड़ों की मौजूदगी को अनेक आधुनिक विद्वानों ने एक दंत कथा का दर्जा दिया, मगर 2001 में खुदाई के दौरान जब तट मंदिर से सटे समुद्र के नीचे से कुछ संरचनाओं की खोज हुई तभी इस दंत कथा को वास्तविकता के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये वाकई में कथित 7 पगोड़ों का हिस्सा है, मगर ये बात साफ होती है कि आज का तट मंदिर एक समय में अपने मौजूदा रूप से काफी विशाल हुआ करता था। भारत के सबसे पुराने लाइट हाउस में से एक लाइट हाउस महाबलीपुरम के तट मंदिर के निकट आज भी देखा जा सकता है। महिष मर्दनी गुफा मंदिर से चंद कदम दूर ओलंकनेश्वर मंदिर को 600 ईस्वी के प्रारंभ में पल्लव शासकों द्वारा एक शिव मंदिर के तौर पर निर्माण किया गया था। इसकी छत पर एक छिछला गड्ढा है जिसमें 1.5 फीट का तेल से भरा घड़ा हुआ करता था। इसको हर रात जलाया जाता था और ये इस मंदिर को एक लाइट हाउस में तब्दील कर देता था। इसके ठीक सामने मौजूद है महाबलीपुरम लाइट हाउस जिसका निर्माण अंग्रेजों ने 1000 वर्षों बाद सन 1887 में किया था। एक पूरी सहस्त्राब्दी के अंतर होने के बावजूद दोनों ने जहाजों को रात के समय रास्ता दिखाने में सहायता की। महाबलीपुरम की एक और आकर्षक विशेषता है यहां मौजूद गंगा के अवतरण और अर्जुन की तपस्या की शैल कर्तित अथवा रॉक कट प्रतिमाएं। माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी के मध्य में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय पर सैन्य जीत की उपलक्ष में हुआ था, जहां 2 विशाल अखंड पत्थरों पर रॉक रिलीफ उकेरे गए थे। महाबलीपुरम कई एशियाई मंदिरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहा है, जिनमें से सबसे लोकप्रिय उदाहरण कंबोडिया का अंकोर वाट है। आज महाबलीपुरम की इमारतें इतिहास को परत दर परत अपने भीतर समाये हुए हैं जो एक सुनहरे अतीत को आज भी दर्शाते हैं।